आपके पास लाखों कर्मचारी है, क्यों नहीं उसको लगा रहे? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? बिहार के शैक्षणिक वातावरण को गर्त में ये सरकार मिला रही है। शिक्षा मंत्री को शर्म लगनी चाहिए, इस्तीफा देनी चाहिए। सीनियर स्टूडेंट को आप जूनियर को पढ़ाने के लिए लगा रहे हैं क्या? सीनियर स्टूडेंट का भविष्य क्यों दांव पर लगा रहे हैं? सीनियर स्टूडेंट को भी आगे अपना भविष्य बनाना है, तय करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार में इन दिनों जाति आधारित जनगणना का दूसरे चरण का शुरुआत हो गया है। 15 अप्रैल से जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। सरकार ने इस कार्य को पूरा करने का जिम्मेदारी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दी है। राज्य के ज्यादातर शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई के काम से तत्काल रूप से मुक्त किया गया है और उन्हें जातीय जनगणना के लिए भेजा गया है। ये स्थिति बिहार के ज्यादातर स्कूलों की है। तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि अब सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? तो सरकार का कहना है कि हर बिहार के सरकारी स्कूलों के सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन सरकार के इस फैसले से बीजेपी पूर्ण रूप से भड़की हुई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आपके पास लाखों कर्मचारी है, क्यों नहीं उसको लगा रहे? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहीं से उचित नहीं है। सीनियर स्टूडेंट को आप जूनियर को पढ़ाने के लिए लगा रहे हैं क्या? सीनियर स्टूडेंट का भविष्य क्यों दांव पर लगा रहे हैं? सीनियर स्टूडेंट को भी आगे अपना भविष्य बनाना है, तय करना है। बिहार के शैक्षणिक वातावरण को गर्त में ये सरकार मिला रही है। शिक्षा मंत्री को शर्म लगनी चाहिए, इस्तीफा देनी चाहिए। ऐसे भी वो इस पद के काबिल नहीं है। बिहार की सरकार जिस तरह के निर्णय ले रही है, स्पष्ट करे। विपक्ष के नेता के नाते हम मांग करते हैं कि क्या सरकार का ये निर्देश है, और नहीं निर्देश है तो उस डीओ पर कार्रवाई करे। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद, ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।